बच्चों मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ पहाड़ों का हिस्सा दो लेकर। पहाड़ी हिस्सा एक में हमने ये समझे कि पहाड़े क्या है, और पहाड़े क्या है ये जब हमारे समझ में आ गया, और थोड़ा सा हिस्सा उसमें ये भी कि पहाड़े कैसे तैयार किए जाए, एक हिंसी अलग का पहाड़ा कैसा तैयार किया जाए ये हम उसमें देखें। तो इस तरीके से अगर हम लोग तैयारी करेंगे, मश्क करेंगे, तो पहाड़े क्या है ये हमारे समझ में आएगा, और जब समझेगा तो याद होगा। कोई भी चीज़ अगर हमारे जबान की कोई चीज़ आपको याद करने का बोले तो हम लोग याद कर सकते, तकरीर हम लोग याद कर लेते, लेकिन दूसरे जबान की कोई चीज़ जो हमारे समझ में नहीं आती, ऐसे अगर याद करने का बोले तो कोई चीज़ आपको याद नहीं होती। पहाड़ों का वैसा ही है, अगर पहाड़े हमारे समझ में आएंगे तो हम उसको याद करना हमारे लिए आसान होगा। उससे भी आगे जाके एक बात मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके से मश्क होने के बाद में हमको पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से ही हम जरूरत तस्वीर की मिसालें बहुत अच्छी आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो आप देखिए ये दूसरा पार्ट पहाड़े का, और ये दोनों भी मश्क अच्छी तरीके से कीजिए। अच्छी तरीके से मश्क अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पहाड़े जो है तो याद होना आपको शुरू हो जाएंगे, अच्छी तरीके से आप पहाड़े याद कर सकेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसी भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से जो अच्छा तरीका लगा, मुझे जो तरीका ठीक लग रहा है वो आपको बता रहा हूँ। आपके जहन में और भी अच्छा तरीका हो सकता है, अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या इसका वीडियो बनाइए, मैं बनाऊंगा या आप बनाइए। अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाना ये भी एक सवाब का काम है, तो अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएं। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरन। तो देखिए आज का पहाड़े पार्ट टू, आज की क्लास में फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पहाड़े क्या है उसकी पहचान हमने देखी, आज की वीडियो में हम पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। अब यहां पर देखो, पिछले वीडियो में हमने सात का पहाड़ा बनाए थे स्टार बना के, उसके बाद में तीन का भी पहाड़ा बनाए थे स्टार बना के, उस तरीके से हम एक इंच से अधिक के पहाड़े हम लोग बना सकते हैं। अब हमको दो से लेकर दो नौ तक अगर पहाड़े याद है तो अगले पहाड़े बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। दो इंची अदक के पहाड़े बनाना बहुत आसान है। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक तो हमने तीन का पहाड़ा लिया और दूसरा सात का पहाड़ा लिया, अब हमको क्या करना है, सैतीस का पहाड़ा बनाना। सैतीस का पहाड़ा बनाने के लिए हमको तीन का पहाड़ा लगेगा जो हमने यहाँ पर लिखे, सात का पहाड़ा लगेगा जो हमने यहाँ पर लिखे, दोनों की मदद से हम लोग सैतीस का पहाड़ा बआसानी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इकाई का वाला जो आदत है उसको वैसे ही लिखना है, इकाई वाला आदत हमने वैसे ही लिख दिए। यहाँ पर इकाई में एक है लिख दिए, यहाँ पर इकाई में आठ है, यहाँ पर इकाई में पांच है, यहाँ पर इकाई में दो है, यहाँ पर इकाई में नौ है, यहाँ पर इकाई में छह है, यहाँ पर इकाई में तीन है, और यहाँ पर इकाई में सिफर है। इकाई वाला आदत हमको वैसा ही लिख देना है। अब बचे ये दहाई वाला आदत और इस पहाड़े का आदत, तो क्या करना है, इन दोनों की हमको जमा करना, छह और एक सात, कितने हुए चौहत्तर, सैतीस हुए चौहत्तर। अब यहां पर नौ और दो, दोनों की जमा करना है ग्यारह, कितने हुए एक सौ ग्यारह, सैतीस किया एक सौ ग्यारह। अब यहां पर दो आदत है बारह है, तो बारह जमा दो, बारह और दो चौदह, सैतीस दिया एक सौ अड़तालीस। अब यहां पर पंद्रह है, पंद्रह जमा तीन, पंद्रह और तीन अठारह, एक सौ पचासी, अठारह और चार एक सौ, अठारह और चार बाईस, दो सौ बाईस, इक्कीस और चार पच्चीस, चौबीस और पांच उनतीस, सत्ताईस और छह तैतीस, तीस और सात
37 हो गया, 37 का पहाड़ तैयार। यानी अगर हमको 2 से 9 तक अगर पहाड़ हमको याद है अच्छी तरीके से और बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होंगे, जो तरीका मैंने पिछले बताया उस तरीके से अगर हम खुद से बनाएंगे तो हमको 2 से 9 तक पहाड़े बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अब 2 से 9 तक पहाड़े हमको याद हो गए तो हमको अगले पहाड़े बनाना आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, 37 का पहाड़ा बनाया, कोई भी अंक का पहाड़ा बना सकते हैं, 37 का बनाया, आप कोई भी अंक का पहाड़ा इस तरीके से बना सकते हैं। इसका एक और तरीका है, देखिए 1 से 10 तक गिनती हम जानते हैं, तो क्या करना है हमको 1 से 10 तक गिनती लिख देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पहाड़े बनाने के लिए आसान तरीका है, लेकिन पहाड़े समझने के लिए वो जो पहला तरीका मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर स्टार बना करके ये चीजों के जरिए से, उस तरीके से वो तरीका ज्यादा मुनासिब है, उससे पहाड़े समझ में आएंगे और याद भी होंगे। ये पहाड़े बनाने का मैं आसान तरीका दूसरा बता रहा हूं। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यही गिनती खड़ी भी लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमको क्या करना है, 2 में 2 मिलाना है, हो गए 4, 4 में फिर 2 मिलाना है 6, 6 में फिर 2 मिलाना है 8, 8 में फिर 2 मिलाना है 10, 10 में फिर 2 मिला है 12, 12 में फिर 2 मिला है 14, 14 में फिर 2 मिला है 16, 16 में फिर 2 मिला है 18, 18 में फिर 2 मिला है 20। अब यहां पर 3 है, 3 में 3 मिला है 6, 6 में 3 मिला है 9, 9 में फिर 3 मिला है 12, 12 में फिर 3 मिला है 15, 15 में फिर 3 मिला है 18, 18 में फिर 3 मिला है 21, 21 में फिर 3 मिला है 24, 24 में फिर 3 मिला है 27, 27 में 3 मिला है 30। उसी तरीके से हमको आगे भी करते चलना है। यहाँ पर 4 है, 4 में हमको 4 मिलाते चलना है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 में फिर 4 मिला है, इस तरीके से हमको आगे भी मिलाते चलना है, तो खुद ब खुद 2 से 10 तक पहाड़े तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से हम 11 से आगे के भी पहाड़े तैयार कर सकते हैं, वो भी आप देखेंगे। अब 11 से 20 तक पहाड़े तैयार करने के लिए हमको क्या करना है, तो पहले इस तरीके से हमको एक स्ट्रक्चर बना लेना है, और ऊपर जो है तो हमको 11 से लेकर तो 20 तक इधर लिखना है, और इधर हमको 10 का पहाड़ा लिखना है। अब करना क्या है, तो हमने यहाँ पर जैसे कि पहले क्या करे, 10 में 1 मिला है तो 11 हो गए, 11 में 1 मिला है 12 हो गए, 12 में 1 मिला है 13 हो गए, 13 में 1 मिला है 14 हो गए, 14 में 1 मिला है 15 हो गए, 15 में 1 मिला है 16 हो गए, यानी ऊपर हमने 1-1 मिला के चले गए। अब यहाँ पर हमको 2-2 मिला है, देखिए 20 में 2 मिला है 22, 22 में 2 मिला है 24, 24 में 2 मिला है 26, 26 में 2 मिला है 28, 28 में 2 मिला है 30, 30 में 2 मिला है 32, 32 में 2 जमा करें 34, 34 में 2 मिला है 36, 36 में 2 मिला है 38, 38 में 2 मिला है 40। अब यहां पर हमने 1 जमा करे थे, यहां पर 2 जमा करे, अब यहां पर हम 3 जमा करें, 30 में 3 मिला है 33, 33 में 3 मिला है 36, 36 में 3 मिला है 39, 39 में 3 मिला है 42, 42 में 3 मिला है 45, 45 में 3 मिला है 48, 48 में 3 मिला है
इक्यावन, इक्यावन में तीन मिला है, चौपन, चौपन में तीन मिला है, सत्तावन, सत्तावन में तीन मिला है, साठ। यहां पर हमने एक जमा एक मिलाए थे, दस में एक मिला है, फिर यहां पर हमने दो मिलाए, अब यहां पर तीन मिला है। अब उससे आगे हम उसी तरीके से करना है, जैसे हमने दस में एक मिलाए थे, यहां पर एक मिला, यानी पूरी लाइन में एक एक मिला के चले गए, उसी तरीके से यहां पर पूरी लाइन में दो मिला के चलना है, यहां पर पूरी लाइन में तीन मिला के चलना है, यहां पर पूरी लाइन में चार मिला के चलना है, यहां पर पांच, यहां पर छह, यहां पर सात, आठ, नौ, दस, ऐसे तरतीब से सीरियली हम जमा करते चलेंगे तो 11 से 20 तक पहाड़े तैयार हो जाएंगे। पहाड़े तैयार करने का आसान तरीका है। अब ये इसलिए बताया कि एक दो से नौ तक पहाड़े हम चीजों के जरिए से तैयार करेंगे तो पहाड़े क्या है ये हमारे समझ में आ जाएंगे, और समझ में आने के बाद में फिर ये बड़े पहाड़े भी तैयार करना हमारे लिए, ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको और समझाएंगे तो इतनी बड़ी, इसके लिए हम जैसे हम लोग 19 का पहाड़ा तैयार कर रहे तो 19 चम्मच लेकर के बैठने की जरूरत हमको नहीं है, या 19 कप लेकर 19 चीजें लेकर के बैठने की जरूरत हमको नहीं है, इतनी बार गिनने की जरूरत नहीं, कि दो से नौ तक पहाड़े हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से ट्रिक से पहाड़े आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं, और ये तरीका अगर हम पहाड़े याद करेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक है जरब और तकसीम वो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। इसके बाद में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जरब के साथ में, जरब की मिसालें हम लोग देखेंगे, एक इंची अदद का जरब, दो इंची अदद और तीन इंची अदद, चार इंची अदद तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग तकसीम की तरफ आएंगे और फिर हम लोग कसर की तरफ जाने वाले हैं। आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर जो है तो कमेंट बताएं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जमा और तफरी के दो टॉपिक मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि घर के अंदर भी हम लोग अक्सर जमा का अमल भी करते हैं, तफरी का अमल भी करते हैं, चीजों को मिलाते हैं, चीजों को निकालते हैं, खाने में, इसमें, हर जगह पर जमा तफरी का अमल होता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाने की जरूरत मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल तो इसके बाद में जरब का हम वीडियो देखने वाले हैं, और ये दोनों भी वीडियो आप एक के बाद एक आपको देख तरतीब और देखना पड़ेंगे तो आपके पहाड़े अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। इसके पहले वाला भी वीडियो आप देखें, ये भी वीडियो आप देखें, पहाड़े आपके समझ जाएंगे, तो पहाड़ों को याद करें ताकि हमको जो अगला टॉपिक है जरब वो हमारे लिए आसान हो। आपने अपनी जो राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और इसमें कुछ अगर कमी नजर आती है तो वो कमी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि अगले वीडियो में ये कमी दूर हो और अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के सामने पेश हो सकूं। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा।